नमस्कार दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं, व्हाट्सएप पर ज़्यादातर से आप चैट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो व्हाट्सएप चैट को लेकर होने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो व्हाट्सएप पर ज़्यादातर से अपनी चैट को प्राइवेसी रखना चाहते हैं। आप अपने व्हाट्सएप में चैट को लॉक तो कर लोगे, लेकिन लॉक करने के बाद जो आपको लॉक्ड चैट वाला फोल्डर जो आपको दिखता है, आप उसे भी हाइड कर सकते हो। ये व्हाट्सएप का न्यू अपडेट्स है जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें अगर आप अपने व्हाट्सएप चैट को लॉक करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जो व्हाट्सएप चैट को जो अपना लॉक करते हैं, तो यहाँ पे व्हाट्सएप ने एक नया अपडेट ला दिया, वो जो भी बहुत कमाल का है जो अपडेट लाया है। जो आप जो पहले चैट को हाइड करते थे, लेकिन अब आप अपने चैट को हाइड करने के साथ जो हाइड वाला फोल्डर आपको दिखता था, वो फोल्डर को भी अब आप बड़े ही आसानी से हाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने व्हाट्सएप को जिस तरीके से ओपन करेंगे, तो आपको जो जो चैट यहाँ पे हाइड करनी है, तो आप पहले उस चैट को पहले यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दो तीन चैट यहाँ पे हाइड करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही सेलेक्ट करा, और ऊपर की साइड ही आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्री डॉट आपको देखने को मिल जा रही होगी यहाँ पे। तो आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर ही चैट लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप चैट लॉक में चले जाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और आपका जो भी पिन या पैटर्न होगा आप यहाँ पे दे देंगे फिंगरप्रिंट। और देने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो आपका यहाँ पे चैट यहाँ पे हाइड हो चुका है। यहाँ पे अपने जो आपकी जो चैट है उसके ऊपर आपके लॉक लग चुका है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, जब भी आप अपना यहाँ पे चैट लॉक कर देते हैं, तो आपके दोस्त भी यहाँ पे अगर मुझे जब भी कभी आपका व्हाट्सएप लेकर यहाँ पे ओपन करेंगे, तो लॉक द चैट का जो यहाँ फोल्डर दिख रहा है उसे दिखेगा, तो वो समझ जाएगा कि इसमें कुछ लॉक करके रखा है। लेकिन हमें इसे भी हाइड करना है, तो इसको हाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना फिंगरप्रिंट देंगे। और फिंगरप्रिंट देने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, जब भी आप समझ पाएंगे। यहाँ पे जो हमने तीन जो यहाँ पे चैट जो हमने यहाँ पे हाइड किया था आपको देखने को मिल जा रहा है। आपको फिर से ऊपर की साइड यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा होगा, आप उसके ऊपर फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने चैट लॉक सेटिंग देखने को मिल जाएगी। आप इसके ऊपर जाएंगे, और जाने के बाद अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, हाइड लॉक्ड चैट और सीक्रेट कोड। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हाइड लॉक चैट पर यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे, और नीचे की साइड आप देख सकते हैं क्रिएट सीक्रेट कोड। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक सीक्रेट कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक अपना कोई सा भी कोड यहाँ पे बना लीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक कोड बना के दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद फिर एक बार और अपने कोड को हम यहाँ पे डालेंगे, डाल के इसे कंफर्म करेंगे, और कंफर्म करने के बाद नीचे की साइड ही आप देख सकते हो डन, आप इस पर डन कर देंगे। और डन करने के बाद और आप देख सकते हो नीचे का भी यहाँ पे जो आपका ये सीक्रेट कोड था यहाँ पे ऑफ था, ये भी ऑन हो गया। अब यहाँ पे जो आपका फोल्डर जो चैट जो लॉक्ड चैट वाला फोल्डर था दिख रहा था, अब वो नहीं दिखेगा आपको। अब यहाँ से बैक आएंगे, और बैक आने के बाद अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। अब इसमें दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अब हम जब पूरा फोल्डर ही यहाँ पे हाइड कर दिए, तो उसे अब हम देखेंगे कैसे। आप घबराइए नहीं, मैं आपको भी उसका एक तरीका बता देता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका। जो आपने यहाँ पे सीक्रेट कोड बनाया है, उसको आप यहाँ पे जो सर्च वाला यहाँ पे आइकन है, आप वहाँ पे सर्च में अपना वो सीक्रेट कोड डालेंगे, और जैसे ही वो अपना सीक्रेट कोड डालोगे आप, तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं आपको लॉक्ड चैट वाला यहाँ पे फोल्डर देखने को मिल जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके आप बड़े ही आसानी से वहाँ तक जो जो आपकी चैट हाइड हुई है, आप जाके वहाँ से अपना चैट कर सकते हैं। लेकिन इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो सीक्रेट कोड बनाए हैं, तो उसे आप कहीं लिख कर रख लेना, नहीं तो अगर आप भूल गए तो आप यहाँ से अपना जो लॉक चैट अपना यहाँ ओपन ही नहीं कर पाएंगे। अगर भूल गए हो तो उसका एक ऑप्शन है आपको, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। वो क्या ऑप्शन है दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि आप पहले अपने होम स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाएंगे, और आने के बाद
आप अपना दोबारा से अगर जब उसे रिकवर करना चाहेंगे तो आप यहीं पे थ्री डॉट आप देख सकते हैं, आप थ्री डॉट पे जाएंगे। थ्री डॉट पे जाने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद अब यहाँ पे आप दोस्तों आपको देखोगे यहाँ कहीं पे चैट देखने को आपको नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे प्राइवेसी वाले फोल्डर में जाएंगे, और इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऊपर की साइड स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको चैट लॉक का एक ऑप्शन देखने को यहाँ मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनलॉक एंड क्लियर लॉक्ड चैट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए नीचे क्या लिखा है, इफ़ यू फॉरगेट योर सीक्रेट कोड यू कैन क्लियर इट, दिस विल आल्सो अनलॉक एंड क्लियर मैसेज फोटो एंड वीडियो इन लॉक्ड चैट। इसका मतलब है कि आप अपने जो फोल्डर को लॉक किए हैं और सीक्रेट कोड भूल गए हैं तो उसे आप रिकवर तो कर लोगे, लेकिन आपकी जितनी भी चैट होगी वहाँ पर सारी आपकी गायब हो जाएगी, सारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने सीक्रेट कोड को एक बार कहीं अपने कागज़ या पेन लेके कहीं अच्छी जगह अपना लिख कर रख लेंगे, बस इसी चीज़ का आपको ध्यान देना है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार नाइस वीडियो ज़रूर लिखें, और साथ में ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।